नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कुछ उन समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं जो जीएसटी के लागू होने पर पैदा होगी। इनमें मुख्य समस्या रिवर्स चार्ज के टैक्स के रूप में है। क्या व्यापारियों को छोटे छोटे खर्चों पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स जमा कराना होगा? इसके बारे में जनरल पब्लिक ने सीबीएसई ट्विटर पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम उनमें से कुछ मुख्य क्वेश्चंस और सीबीएसई के द्वारा की गई रिप्लाई के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 तथा 59 के अंतर्गत ये पूछा गया, क्या प्रतिदिन व्यापार में होने वाले छोटे छोटे खर्चों पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स जमा कराना होगा? सीबीएसई ने अपनी रिप्लाई में इसके बारे में बताया कि प्रतिदिन 5000 तक के खर्चे एग्जम्पशन के अंतर्गत रहेंगे। इनसे ऊपर जो भी खर्चे होंगे उन पर आरसीएम के अंतर्गत टैक्स जमा कराना होगा तथा प्रतिदिन के हिसाब से रिवर्स चार्ज के अंतर्गत बिल नहीं बनाने हैं। सब खर्चों पर महीना में एक बार बिल बनाकर टैक्स जमा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 के अंतर्गत पूछा गया था, क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाने पर क्या इंडिविजुअल बिल्स को रिटर्न्स में अपलोड करना होगा? सीबीएसई का जवाब है कि जनरली अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किए जाने पर इंडिविजुअल रूप से रिटर्न में अपलोड नहीं करने हैं। केवल इंटर स्टेट सप्लाई इनवॉइसेज जो 250,000 रुपये से अधिक के होते हैं उन्हीं को अपलोड इंडिविजुअल रूप से करना है। क्वेश्चन नंबर 57 के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म अपने आर्टिकल्स को स्टाइपेंड पेमेंट करने पर क्या रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स देना होगा? सीबीएसई की रिप्लाई के अनुसार आर्टिकल्स को स्टाइपेंड पेमेंट करने पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स नहीं देना है। इसको एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 में ये पूछा गया कि क्या पार्टनर्स को दी गई सैलरी पर आरसीएम के अंतर्गत टैक्स जमा कराना होगा? सीबीएसई रिप्लाई के अनुसार पार्टनर्स को दी गई सैलरी पर जीएसटी में टैक्स आरसीएम के अंतर्गत जमा नहीं कराना है। क्वेश्चन नंबर 99 ईवे बिल के बारे में है, जिसको सीबीएसई ने अभी पोस्टपोन्ड के अंतर्गत रखा है तथा इसको बाद में नोटिफिकेशन के द्वारा लागू किया जाएगा। अभी जिन स्टेट में वेट के अंतर्गत ईवे बिल इश्यू हो रहे थे, केवल वही स्टेट के अंदर जीएसटी के अंतर्गत ईवे बिल इश्यू होंगे। ये किसी नोटिफिकेशन के द्वारा अभी तक गवर्नमेंट ने सूचित नहीं किया है। ये केवल उन क्वेश्चंस के बारे में जो ट्विटर पर बार बार जनरल पब्लिक ने पूछे गए थे, सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर इनका जवाब अपलोड किया है। शायद ये सरकार की मंशा होगी जिसके बारे में बताने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।